हाय गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी तो जैसे मैं कहती हूँ सवा का जो वर्स्ट लुक या बेस्ट लुक जो भी बोलो आज तक का इसका एनिवर्सरी लुक है मैं इसको हमेशा वही मानती हूँ तो क्या ही रेडी हो सकता है मतलब तो अल्टीमेट है वो अल्टीमेट मतलब मैंने किसी को इन पर्सन इतना वर्स्ट मेकअप और ड्रेसअप होते हुए नहीं देखा है तो मैंने सोचा आज इसका एनिवर्सरी ब्लॉग देख ही लेती हूँ जैसे कहते हैं ना हेट वॉच तो देख लेती हूँ मैंने देखा मैंने कहा ब्लॉग बनाना तो बनता ही है तो मैं उसके ऊपर ये पॉडकास्ट बना रही हूं। जिसने नहीं देखा जो सभा को बाद होगा तो यहाँ पे शुरुआत करते सनी के मुंह पे से बेडरूम में से जैसे ना हमेशा वैसे हिजाबी बनती है लेकिन बेडरूम में से और सनी भी अपना ये सब स्क्रिप्टेड है सब सेटअप करा हुआ है उसका कुशन लगाया हुआ है और ऐसे बैठा हुआ है सनी सनी अभी रिएक्ट मत करना है आप बोलो अब ये उठती है ना उठता ऐसा नहीं है उसके बाद से शुरू हो जाती है फ्रेंड्स हम अपना मेकअप कर लेते हैं ये उपटन लगा लेते हैं और तब तक के उस टाइम की बात है जब सभा को आ, ये कह लो कि टेन परसेंट लोग ही अः कुछ नेगेटिव कमेंट्स लिखते थे और थोड़े बहुत ज्यादा लिखते होंगे तो डिलीट कर देती होगी अब ये हाल है कि नाइनटी परसेंट लोग इसको नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं तो इसकी घर की हालत थी ना जो पहले नॉर्मल रहती थी, थी ये इसका नॉर्मल घर है पीछे फैला हुआ है सब फैला हुआ है गंदगी मची हुई है गंदा सा दुपट्टा फैना हुआ है मुंह पे उपटन लगा रही है ये जो भी है, लेप लगा रही है वो सब लेप लगाने के बाद निखार आ जाता है हो तो और इसको ये एड प्रमोशन हो उस टाइम में भी ये इतना दिखाती नहीं हो तो ये इसको उपटन उपटन लगा के दिखा देती है फ्रेंड्स आज तो हमारी एनिवर्सरी है शाम को एनिवर्सरी और इस टाइम ये तब की बात है जब रूहान कुछ महीनों का था नवंबर की बात है नवंबर सात आठ ऐसे कुछ इसकी फर्स्ट वीक ऑफ तो नवंबर में एनिवर्सरी आती है और ये बेटी खाला के घर पहुंच जाती है देखो सिर्फ रात को सोने ये ससुराल आती थी तब भी बेटी खाला के घर पहुंच जाती है बेटी खाला से घूर गई ब्लॉग बनाने और ये सारी इसकी पुफिया बैठी हुई है और पुप्पियों के गले लग रही है सब लोग मिलके आना जैसे बड़ा तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी माता जी इनकी सेवा करेगी इनकी खातिरदारी करेगी इन्हें बिठा के खिलाएगी तुम्हारी समझन को तो उन्होंने केले छीले भी नहीं पकड़ा दिए थे कल कि भैया खा लो तुम्हें खाना है तो खा लो नहीं तो हमारे बस का नहीं है वैसे सारे दिन ये बाहर का खाना मंगा मंगा के खुशामदीद का मंगा के हम खाते हमको बहुत पसंद है हमको बहुत अच्छा लगता है लेकिन तुम्हारी सम्दन को तो खिलाया नहीं तो पुप्पियों को खिलाएगी जो आज तक पुप्पियाँ दिखाई भी नहीं अब ब्लॉग बनाने के लिए दिखा दी ये पे जो ये कर रही है ना ये तमाशा करा था इसने कि हमारी शादी अच्छे से नहीं हुई अब हम अपनी एनिवर्सरी मना, मनाएंगे एक महीने तक इसने एनिवर्सरी का ड्रामा मचा रखा था कि हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे हम हॉल देखने जा रहे हैं हम खाने की बुकिंग देखने जा रहे हैं हम ये देखने जा रहे हैं पूरा महीने इसने ब्लॉग काटे थे तो ये उसके लिए भीड़ इकट्ठी की है इसने क्योंकि अब इसने हंगामा तो मचा दिया तो भीड़ इकट्ठी बाहर से करनी पड़ेगी तो इसे याद आ गई वो फुफिया जिसको इसकी माता जी भूल के बैठी थी माता जी ने कभी याद नहीं किया ये मुंबई नहीं आई कभी इनके घर में क्योंकि चार साल से तो हम ब्लॉग देख रहे हैं इनके घर कोई आता नहीं है ये सब लोग और वो खुफिया याद आ गई इसे और इसके सगे भाई भाई भाभी आए नहीं जिसकी वजह से इसको लोग जानते हैं सगे भाई भाभी नहीं आए इसके पिताजी भी नहीं आए भाई पिताजी थोड़े बीमार है लेकिन एक आध दिन के लिए ट्रैवल करके कैसे भी प्लेन से कैसे भी आ सकते थे और रूहान कुछ महीनों का होगा एक्चुअली जुलाई जून जुलाई बॉर्न है तो चार पांच महीने का था इतना छोटा बच्चा भी नहीं था कि जैसे कुछ तीन चार हफ्ते का होता है तो ऑब्वियसली लोग नहीं ले जा सकते लेकिन चार पांच महीने को बच्चे को तो आराम से लेके जा सकते हैं कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेन फर्स्ट क्लास एसी करो ट्रेन का या फ्लाइट से आओ लेकिन वो लोग नहीं आए क्योंकि उन्होंने जरूरी नहीं समझा भाई इसके लिए वो इंपॉर्टेंट थी भी नहीं सभा ने जो हरकतें की शादी के बाद भाई भाभी से रिश्ते एकदम खत्म हो चुके थे तो भाई भाभी ने तो डिसाइड किया भाई तो इसका आया ही नहीं भाई भाभी उसके बाद से आज तक आए ही नहीं है वैसे भाभी कहती हमारे मौदा में ऐसा बोला चिकन बनता है हमारे मोहदम में तो ये बनता है तो हमारा महदा तो भैया उनका महदा खत्म हो गया महदा में आते ही नहीं भाई तो ये एनिवर्सरी में भी नहीं आए जिसके लिए इतना इसने हंगामा मचा रखा था अब यहाँ पुप्फिया तीनों बैठी है बता रही ये हमारी वो पुप्फी ये हमारी वहां से आई है वहां से सितारा जी बैठ के बैठे हुए पंचायत करने अपने बेड पे लेकिन आ, मतलब सितारा जी को कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई प्यार मोहब्बत है या कुछ है बस गले लगा लगा कि गीली चुमिया वो सबको देती है लेकिन अब ये देखो ये सभा ने जो सूट पहना है एंड आई वाज लाइक हे भगवान आई कॉन्ट बिलीव इट ये पूरा दिन इस सूट में घूमी है और उसके बाद इसने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया नेक्स्ट डे इसी सूट में घूम रही थी सोचो कैन यू इमेजिन कैन यू बिलीव इट अब यहाँ पे बेबी के लिए दुआएं चल रही थी भैया इनके तो पूरे खानदान में है कि एक औरत की शादी क्या हो जाए बस सारे टाइम इनका जिंदगी का मकसद ये हो जाता है कि इसको बच्चा हो जाए बच्चा हो जाए खुले बच्चा बच्चा करते रहते हैं मतलब कितना रिग्रेसिव है भाई हो जाएगा जब होना है तो और ऊपर से दिखाती भी थी अब तो नहीं दिखाती क्योंकि अभी दो साल हो गए ना तो थोड़ा सा इसको लगने लगा है कि भैया हो क्यों नहीं रहा है फलाना अब यहाँ पे दिखाती है बेटी खाला के घर के बाहर कि फ्रेंड्स देखो चार बज गए हैं सात बजे तो इवेंट शुरू हो जाएगा तो ये चार बजे अब सात बजे सपोज हमारे यहाँ कोई इवेंट हो कि सात बजे और जिसमें मेरा ही होना जरूरी है मतलब मेरा इवेंट है पर्सनल इवेंट ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जाना है तैयार होकर लेकिन अगर मेरा इवेंट है मेरे घर का इवेंट है तो चार बजे मैं घर में होंगी तैयार होना जाएंगे या कुछ भी है अरेंजमेंट के ले, लेकिन ये मैडम जी ना 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 ये तो कपड़े दिलाने गई है ये फुफ्फी को कपड़े दिलाने गई है तीन घंटे बाद इनके घर में इवेंट है ये अभी पुपियों के कपड़े दिलाएगी ये मेहर की बहन जो रेड टी शर्ट में घूम रही है उसको कपड़े दिलाने अलग दुकान जाएगी पीछे नाजा खा नाजा खाला है ग्रीन सूट में और ये सारा इनको कपड़े दिलाने लास्ट मोमेंट पे जाती है तो ये इनकी टाइम मैनेजमेंट होती है कि पता था एनिवर्सरी तुम एक महीने से गाने गा रहे थे तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी गेस्ट लिस्ट फिक्स होनी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन आ रहा है और तुम्हें अगर उनके कपड़े स्पॉन्सर करने हैं उनके ट्रिप भी इसने भीड़ इकट्ठी की थी जैसे होता है ना रिश्तेदारी की भीड़ इकट्ठी चेक करनी होती है फंक्शन में तो इसने कर ली अब उनके हो सकता है टिकटे भी करिए हो कहीं कहीं से कोई भोपाल से आई थी कोई कहीं से आई थी तो उनकी टिकटे करिए कपड़े भी दिलाने हैं तो पहले दिला दो ना यहाँ पे इसको फ्रॉक दिला रही है तुम्हें कैसे कलर की चाहिए और बच्ची से करवाया है बच्ची ने कहा पिंक तो बहुत है मेरे पास दो ऑलरेडी एक आपने दिलाई थी और एक आपकी माता जी ने दिलवाई थी वो अच्छा हमने दिलाई थी सारे कपड़े यार तुम्हारी जिंदगी भर के ओके ठीक है तो मैं याद दिला दिया करो हमारे ब्लॉग में कैमरे पे ताकि पब्लिक को लगे हम तुम्हारे लिए बहुत करते हैं तुम्हारे खानदान के लिए बहुत करते हैं तो इस बेचारी बच्ची से ये कलवाया गया था कि मेरे पास दो पिंक शर्ट पिंक फ्रॉक्स ऑलरेडी हैं तो पिंक मत दिलाओ दोनों आपने ही दिलाई हैं आपके परिवार ने तो यहाँ पे वापस अपने माता जी के घर आ जाती है मतलब बेटे खाला के घर यहाँ सारा भी घूम रही है माता जी ने फटाफट दुपट्टा डाले अरे हमें डिस्टर्ब कर दिया हम तो आराम से बेर वेर खा रहे थे बैठ के पूरा प्लास्टिक के कटोरे में भर के अपने मोहदा के और तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया खाने नहीं देती जैसे आती है नही माता जी पीछे पड़े जाते है तुमने हमें रानी कलर की चप्पल दिलाने चल रानी कलर की चप्पल दिलाने माता जी को तो दुल्हन बनने की ऐसी वो पड़ी हुई है सजना सवरना और एक और चीज़ मैंने कल नोटिस की जब इसके वैसे देखा जाए ना अम्मी ही इनके परिवार में बेस्ट ड्रेस्डअप पर्सन है ये हमेशा ना अच्छे से तैयार होके रहती है ठीक है हम लोग कभी कभी मजाक बना देते हैं कि ये ज़्यादा ही तैयार हो जाती है इनकी एज के हिसाब से बट स्टिल हमेशा अच्छे कपड़े पहनती हैं अब देखो नहाना धोने का मुझे नहीं पता लेकिन इसकी अम्मी हमेशा साफ सुथरे नए कपड़े पहन के और तैयार होने का शौक है लेकिन कल जब समी जी आए थे तो मैंने कहा हैं इन्हें पता था ऑब्वियसली कि समी जी आने वाले हैं इतना मिसमैच दुपट्टा इतने गंदे कपड़े अम्मी जी ने पहने जो सिर्फ मेरा ब्लॉग सुन रहे हो जरा एक बार देख लो स्क्रीन पे मैं स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है तो ऐसा मैंने अम्मी जी को देखा बहुत रेयरली है स्पेशली जब कोई आना है या इन्हें कहीं जाना है बेटे के ऊपर वहां ऊपर वाले फ्लैट में जाना होता है ना जब केक कटिंग ब्रिंग इन चलते हैं इनके केक वाले तो उसमें भी पूरा तैयार व्यार होकर लिपस्टिक और काजल लगा के पहुंच जाती है जबकि दो तीन चार फ्लोर ऊपर नीचे सेम बिल्डिंग में जाना होता है अम्मी पीछे पड़ी रहती है कि नहीं भैया मेरे को तो चप्पल मेरे को दिला के ला तो मेरे मेरे को तो वो चप्पल वप्पल दिला के लाती होगी यहाँ पे इनके मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है काजल लागे, काजल आ गई काजल पहले तुम बच्चों का मेकअप शुरू कर दो क्योंकि मुझे तो बहुत सारा मेकअप लगेगा मैं अभी घूम के आती हूँ बच्चों का मेकअप स्टार्ट करवाते मतलब बच्चे और भी छोटे थे एक साल पहले और बच्चों को ना मेकअप वेकअप अच्छा नहीं लगता है बहुत बुरा लगता है

अः यही नहीं लगता हुआ कि टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि मैं इसका ब्लॉग देखते देखते मैं परेशान हो रही थी भाई तेरा सात बजे इवेंट है सात बजे साढ़े सात बजे ठीक है थोड़ा लेट पहुंच जाओगे लेकिन तुम अभी ऐसे गलियों में भटक रहे हो कभी दादी के घर जा रहे हो वहां तोते से बात कर रहे हो उनका एक तोता था पिंजरे में तो वहां टाइम पास कर रहे हो फिर पहुंचते फाइनली अपने घर फ्रेंड्स हम घर आ गए अभी हम तैयार हो जाते हैं सनी तुम तैयार हो जाओ ना और देखो इसी सुबह में सुबह से घूम रही थी गलियों में इधर से उधर भटक रही है शॉपिंग कराने जा रही है अम्मी के साथ बैठी हुई है और यहाँ पे सनी कहता है मैं तैयार हो जाता हूँ और सनी तैयार व्यार होकर दिखाता है देखा फ्रेंड्स हम ये मेरा लुक अब एक साल के अंदर सनी की कितनी शक्ल बदल गई उसके भी मैं क्लोजअप्स लगाऊंगी और यहाँ पे सनी खुश है अभी तो उसकी नई नई शादी हुई थी ना एक साल हुआ था तो अभी तो खुश हूं नया नया पैसा आया था नई नई इज्जत मिल रही थी दोस्तों में तो ऑब्वियसली इज्जत मिलेगी ना जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है पैसा बहुत इज्जत दिलाता है देखो आज का टाइम अच्छा है बुरा है जैसा भी है लेकिन पैसे के सामने सबको सलाम है और इसको ऑब्वियसली मददा में तो इसकी इज्जत बढ़ गई होगी यार दोस्तों में और उसके पास खुला खर्चा करने के लिए पैसा आ रहा है बीवी कमा रही है पॉपुलर भी हो रहा है लोग इसे रोक रोक के इसको सनी भाई सनी भाई करते रहते तो ऑब्वियसली इसको अच्छा ही लग रहा था ना नया नया सब अच्छा लगता है अब यहाँ पे सबा के पास तीन लोग भाई इसका मेकअप करने तीन लोग आए हैं और ये सनी में तैयार हो जाती है सनी में हाँ बेटा तरफ तो कितनी देर लगेगी एक घंटा तीन लोग एक घंटा ओ मैन तब जाके वो जुलूस निकला था जुलूस बन के मतलब सही में मैंने एक बार पहले भी बोला था अगर ये बंदी ऐसे मेकअप और ऐसे लुक में सड़क पे चली जाए तो कुत्ते तो पीछे भोके ही भोग पता नहीं लोग इसे कुछ और ही समझ लेना आदमी समझे ना औरत समझे कुछ और ही समझे अब आप समझ जाना अब यहाँ पे देखो ये बच्चे ये बच्चे अपना पलट पलट के दिखा रहे हैं हम ना तैयार हो गए बच्चे इसके सभा के ससुराल पहुंच गए तैयार हो गए देखो ड्रेस बच्चों की तीनों की अच्छी है सभा थोड़ी प्रिटी भी लग रही थी लेकिन अगेन जो फेस का मेकअप है ना पता नहीं इन लोगों में क्या ऑब्सेशन है अब मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैंने कम्युनिटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन इनके पूरे खानदान में एक्सेप्ट दीपिका क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में रह चुकी है टीवी इंडस्ट्री में रह चुकी है तो शी नोज व्हाट इज गुड मेकअप व्हाट इज बैड मेकअप सो उसका मैंने नहीं देखा है बाकी इनका पूरा खानदान में सफेद मतलब जो तुम्हारा स्किन टोन है ना उससे चार शेड लाइटर पे चलो अगर तुम ऑलरेडी गोरे हो तो और और हो 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 जाओ जाओ अगर तुम तो तुम डार्क तो तो मतलब ये अजीब है सबा ने इस मेकअप आर्टिस्ट से बोला होगा भैया या पता नहीं वो ऐसे ही करती होगी कि रिजा को और सारा को पता नहीं सफेद पोत दिया अब ये थी इसका रिव्यू टाइम ओ भाई इनका रिव्यू टाइम चल रहा है ये ये तैयार होगी इसे लगा हुआ इसने बहुत बड़ा तीर मार दिया शॉकिंगली हॉरिबल लग रही थी ये हॉरिबल मैंने इससे बुरा हॉरिबल मेकअप या इससे बुरा लुक नहीं देखा अगर मेरे सामने कहीं पार्टी वार्टी में कोई आ जाए तो मैं तो उसको देख के मतलब घबरा घबराई जाऊँगी है क्या ये पूरे सेंसेस में कोई इंसान ऐसे तैयार होकर बाहर निकल सक निकलने की हिम्मत रख सकता है या भैया रुखसाना बाजी भी एकदम चमक रही थी चलो अच्छी बात है रुखसाना बाजी का सूट अच्छा था ऑब्वियसली इसने दिलाया होगा लेकिन व्लॉग में नहीं दिखाया दिलाया ही होगा

तू गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा है तो उसको सबा नाम है कुछ और नाम रख ले सालू सालू या तो शालू बोल ले वो बोला नहीं जाता सालू सालू और इसका मोटापा इसके कपड़े इसका हिजाब इसका मेकअप हो 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 यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट करा था, था ऐसा अरेंजमेंट जिसके लिए ये एक महीने से ब्लॉग बना रहे थे और एक महीने का ब्लॉगिंग का मतलब आप समझ सकते हो कि पूरा कंटेंट एनिवर्सरी के अराउंड चल रहा था तीस चालीस लाख रुपए कमा के इन्होंने ये लाख रुपए डेढ़ लाख या मैक्सिमम दो लाख का सेटअप या हिसाब किताब होगा अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता देना मुझे लगता नहीं ये इनका खाने पीने का अरेंजमेंट और ये सिटिंग अरेंजमेंट दो ढाई लाख से ज्यादा हो सकता है मतलब लिटरली एक ब्लॉग में निकाल दिया होगा इन्होंने और इतना ड्रामा मचाया हुआ था इतना सस्ता हिसाब किताब और वैसे ही जाती है ना अंकित इन लोगों की एंगेजमेंट पे तब इसका मुंह खुला रह जाता है अच्छा अल्लाह ऐसे भी होती है हमें तो लगा था मौदा में चार प्लास्टिक की चेयर डाल के जो पार्टी करते हैं जिसमें सीख कबाब पीछे बना रहे होते हैं रोटियां नान तंदूर में लगा रहे होते हैं वही एनिवर्सरी है, वही शादी होती है यहाँ पे सनी अपने दोस्तों के साथ सारे छपरी सारे दोस्त ऐसे इसके बैठा हुआ है हीरो बना हुआ है सब दोस्त जल रहे हैं वहाँ तेरा तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है हमारा भी कोई जुगाड़बाजी करवा दे अरे नहीं, नहीं नहीं खोलूंगा ना मैं दुकान खोलूंगा एक होटल खोलूंगा सबको लगाऊंगा काम पे चिंता नहीं करो मैं साहब बनूंगा और तुम लोग मेरे नौकर बनोगे अभी मैं किसी और को नौकर हूँ बट मैं बहुत खुश हूँ तो सनी चहक रहा था सनी को लाइम लाइट मिल रही थी भाई नहीं नहीं लाइम लाइट इसको असलियत तो अब पता चल रही है दो साल होने को है ना अब ये रो रहा है भागा भागा फिर रहा है मारा मारा कभी माँ से डांट खा रहा है कभी अपनी बीवी से चप्पल खा रहा है अभी बा भागा भागा फिर रहा है यहाँ पे तो अपनी मेरे, यहाँ पे लिख रही है मेरी पुप्फिया यहाँ पे इसे ये लिखा था मेरी फुफ्फिया अब देखो जब फुफ्फिया लेके आई है ना वहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें कही थी हमारी पुप्पी है अब इसकी माता नहीं बैठी है पुप्पियों के साथ अब नहीं बैठा है कोई फुफिया बेचारी अकेले आके बैठ गई वो दो मिनट का उन्होंने ट्रेलर दे दिया था कि भैया हमारी पुप्पी हमारी माता जी से मिलने आई है हमें बहुत अच्छा लगा अब यहाँ बैठ के अकेले खा लो पी लो निकल लो हमें कोई अटेंशन नहीं देनी है पुप्पियों को माता जी आगे बैठी थी पुप्फिया पीछे बैठी थी जब ये पिक्चर भी आएगी अभी दिखाती हूँ तो माता जी ने कोई इंटरेक्ट नहीं किया से वो तो रानी पहनेंगे हम तो पूरा लिपस्टिक लगा के जाएंगे वहां सफेद मुंह करके अब यहाँ पे जो क्राउड बैठा था जिसमें रुकैया बैठे देखो रुकैया डिसेंट तैयार होकर बैठी है ऐसा ही तैयार होना चाहिए तुम जा रहे हो किसी और की शादी में मतलब हल्का कलर के कपड़े पहने जैसे ही पहने डीट लग रही है बाकी सिर्फ इन्हीं का खानदान नाजा बेटी अम्मी और सबा इन चारों ने जो तहलका मचाया था ना कि मतलब लोग पलट के देखे भाई ये तुम कहाँ से आयो हमने तो सुना था हीरोइन ही है हीरोइन की ननद है हमने सोचा था हीरोइन की फैमिली है मुंबई में सारे ऐसा जुलूस निकाल के घूमते हैं क्या लोग आपस में बात कर रहे करेंगे मोहदा वाले अब ये देखो मामू मामू बिल्कुल सिंपल बेचारे जैसे होते ना अब क्या बोलू मैं कोई यूज एनी बैड वर्ड फॉर हिम बट सिंपल से बिल्कुल आए हैं और ये नाजा बेटी खाला इनकी जब खालाएं आई और अम्मी जी ऐसे सज के सफेद मुंह करके चमचमाते सूट पहन के सफेद काला और लाल और लाल आए ये इसने पहले बोल दिया सनी हम आएंगे तो हमारी कार के के बाहर मिलना है हमारा हाथ पकड़ के उतारना रोमांटिक होना है अब वो सनी यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा है इसकी मैडम जी की कार आई हाथ पकड़ के माता जी को उतार रहा है भैया माता जी का वेट इतना बढ़ चुका है और इस टाइम अगर ये ब्लॉक आ जाए ना तो पब्लिक इसे ऐसा धोए कि तुम्हें पढ़ पढ़ के कमेंट पढ़ पढ़ के मजा आ जाए लेकिन ये उस जमाने में आया था ना ऑलमोस्ट एक साल पहले जैसे मैंने बताया कोई लिखता नहीं था उल्टा सीधा सब लिखते हैं भैया हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी अच्छी जोड़ी है खुश रहो पब्लिक को असलियत अब दिखने लगी है पहले तो थोड़ा थोड़ा सा इनके उनकी भी आंखों में पर्दा था अब देखो रिजा और ये सब ये सासू माँ भी आ गई हैं अब सासू माँ के साथ इसने एंट्री तो ले ली लेकिन सासू मां के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है कोई बात नहीं कर रही कोई हाथ पकड़ के कोई ऐसा नहीं कि भाई दिखाएं थोड़ा जेस्टर इतनी पब्लिक आई हुई है एक होता है ना फेक अः लव ही दिखा दो कि भाई बहुत अच्छा है सब चल रहा है सब ठीक ठाक है ना उसे कोई मतलब नहीं है अपना घाघरा पकड़ के उसको लग रहा कि है कि भैया मेरे ऊपर लाइम लाइट आनी चाहिए मेरे ऊपर फोकस आना चाहिए मेरा सनी मेरा ब्लॉग बन रहा है नहीं मेरा ब्लॉग बनना चाहिए बस मेरी एंट्री के टाइम पे मेरे मुंह पे फोकस आना चाहिए बस मेरा मेकअप ठीक लग रहा है सनी भी हाँ भाई बेटा बहुत अच्छी लग रही है सनी को अपने दोस्तों में इंटरेस्ट है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सभा कैसी लग रही है कहाँ लग रही है सनी अपना हाँ भाई तूने ऑर्डर दिया था मैं आ गया तेरे को लेने वरना बहुत लड़ती है अच्छा जो पिक पीछे था ना ऑटो रिक्शा वाला ये जो भी है टेंपो वाला वो भी पलट के देख रहा है ये क्या देख लिया मैंने ये क्या था ये कौन था भाई उसके बाद ये अंदर आ रही है और देखो इसका इंटरेक्शन से उतर है अपने फैमिली वालों से कि रिजा ये मेहर इनके साथ माताजी भी बेचारी चलो भाई अंदर आ गई अंदर आने के बाद लोगों से को लोगों से कोई मतलब बढ़ के कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहा है कोई ये खुद लोगों के पास जा जा के सोच रही है कि कोई मुझसे बात करेगा किसी ने इससे कोई खास ऐसी कोई बात ही नहीं की ये एकदम बौखलाई हुई सी घूम रही है इधर उधर इसे लगा था जैसे ही मैं एंट्री मारूंगी मैं तो सलमान खान फीमेल सलमान खान हूँ मेरे पीछे तो लोग साइन करने मेरे साथ सेल्फियाँ खिंचाने आ जाएंगे कोई नहीं उठा देखो सब लोग बैठे हुए हैं औरतें देख रही है ये अगर जुलूस है अरे से बम्बई की हीरोइन ऐसी लाए हो तुम ये तो कुछ और ही लग रहा है ये क्या आइटम लेके आए स नहीं ये क्या है तो कहाँ फंस गया ये क्या है हमें लगा बम्बई की लड़की है बहुत अच्छी आ, स्मार्ट लड़की होएगी ये तो क्या अजीब ही लग रही है सर अरे मैं खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ मेरी माँ खुश है हम लोगों को पैसा मिल गया हमें और क्या चाहिए लड़की का क्या करना है हमें 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 पैसा चाहिए था मैं मिल गया अब इसने पकड़ पकड़ के लड़कियों से जो भी बच्चे बच्चे कजन वजन आए थे उनके साथ सेल्फी नीचे कैप्शन डाल डाल के एक्चुअली नेहा फैजी ही थोड़े दिन पहले वहां गई थी उसने पूरा कैप्शन डाला था ये मेरी बुआ है मेरी पुप्पी है ये मेरा ये है वो है उसके रिलेटिव की कोई शादी थी

और ये देखो बाजी की ननद एंड देवरानी अब दिखा दिया लेकिन उसके बाद से तो बाजी के ननद और कौन देवरानी कौन क्या कभी नहीं दिखाती तो इस टाइम तक तो इसे दिखाया कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ सबको दिखाएंगे अच्छी लाइम लाइट बटोरेंगे बटोरेंगे तो सनी 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 को दिखाने को दिखाने था ही नहीं नहीं क्या क्या करें करें हम सबके पास पास जाते थे, थे कोई तो हमारे और ये अम्मी तो अपना खाना वाना ठूसने में लगी हुई अम्मी के पास गई अम्मी ने पलट के देखा भी नहीं अम्मी अपना थाली में से पूरा चावल बिरयानी लपेटने में लगी हुई थी सनी कोई हमारे पास आ क्यों नहीं रहा हम तो मुंबई के मशहूर ब्लॉगर हैं सनी हम तो इतने जाते हैं तो जहाँ पे मीरा रोड पे पूरा मीरा रोड पे तो कोई नहीं पहचानता लेकिन सब जगह लाइन लग जाती है तो कोई हमारे पास नहीं है सनी मैं बना लेती। तो मेरा ना छूट जाए ये, देख लो ये इसकी इज्जत है असली में कोई इसके पास आके फटक नहीं रहा देखो इनकी इज्जत ना मोहदा में बहुत ही ज्यादा डाउन है तो सब लोग जो महोदा में रहते हैं वो सालों सालों से रहते होंगे जनरेशन से रहते होंगे तो सबको पता होगा इनके सारी हालात तो मैं उस पर नहीं जा रही हूँ कि किसने क्या किया लेकिन जो ये कहती है ना इज्जत दिलाई सनी ने भैया बहुत अच्छी इज्जत दिलाई दिख रहा है यहाँ पे कोई तुम्हारे पास फटकना नहीं चाह रहा अब यहाँ पे सनी ने कार्यक्रम रखा था शायरी का मुशायरा वगैरह जिसे बोलते हैं ये बंदा आके गाने वाने रहा था। गा रहा था अब जैसे एनिवर्सरी वगैरह पार्टी होती है पहली बात तो एनिवर्सरी किसी भी एंगल से लग नहीं रही थी ऐसा लग रहा था निकाह हो रहा है भाई सनी का दूसरा निकाह हो रहा है इसी बंदी के साथ तो हो सकता है किसी को लग रहा होगा सनी दूसरा सनी भाई दूसरा निकाह कर रहे हैं किसी और के साथ कर रहे हैं पता चला है मुंह धोया ये तो वही निकली तो यहाँ पे इसने जो स्टेज बनाई है वो मुशायरे के लिए बनाई है और ये सनी सब सनी में जल्दी से रिकॉर्ड कर लेती हूँ भैया तो अपना अपना ये पहले कैमरा अपने मुंह पे से हटाए बाकी लोगों को रिकॉर्ड कर अपने आप को मत कर झेला नहीं जा रहा पीछे घबरू खड़ा है पता है गबरू को रिकॉर्ड कर रही तो तो गबरू खड़ा था पीछे जो है ना तो भैया आप समझ जाओ फिर ये गबरू को रिकॉर्ड कर रही थी गबरू के साथ चल रहा था इसमें पूरा थोड़ा उस दिन अब आजकल आता नहीं है आजकल दिखता नहीं है क्योंकि लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया घबरू के साथ एक थाली में खाना खाते पकड़ी गई वैसे घबरू ना मेरा मैं लेकिन सब चलता है अब ये देखो ये माताजी बैठे हुए तीनों लाल काला और सफेद सूट पहन के चमाचम और सफेद मुंह करके आगे बैठ गई है लाइम लाइट लेने तीनों बहनें और इनके पति कहाँ हैं पता नहीं पता नहीं भाई जो बीमार है जो कहीं और है दूसरे देश में या कहीं है हमें अपने को कोई नहीं फर्क पड़ता पर अपन आ गए बैठ गए अब खूब हसे दांत दात फाड़ फाड़ के और खाएंगे और यहाँ पे बैठेंगे पहली बार हमें जिंदगी में, में लाइन लाइट मिल रही मौदा में कोई पूछता नहीं था अब हम पूरा इंजॉय करेंगे अब यहाँ पे बैठ गए खाना खा रहे भाई ये ना ना हैरम जैसे मैं कहती हूँ बहुत पसंद है वैसे हिजाबी बनती है सनी हम अपनी अम्मी और बाकी फुफियों के साथ नहीं खाएंगे हम तो वेट कर रहे थे तुम्हारे साथ और तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ खाना खाएंगे दोस्तों की बीवियाँ कहा भाई दोस्त तो आ गए तुम्हारी पार्टी में दोस्तों की बीवियां ये शादीशुदा तो होंगे आधे से ज्यादा लोग तो शादीशुदा होंगे अधेड़ उम्र वाले लग रहे हैं सनी ने एक हार्ट शेप रोटी बनाई किस एंगल से हार्ट शेप मुझे तो दिख नहीं रहा बट सनी की में जो प्यार रहा था, में दिखा तो हमें ना दिखाओ तो मैं जो बात रही थी सनी के दोस्तों की बीवियां नहीं आती है आती भी है तो भैया दिखाती नहीं है उनके साथ नहीं मिंगल होती ये इससे बंदों के साथ बंदे आसपास पास तो बहुत अच्छा लगता है किसी ने कमेंट लिखा था कि ऐसे ही किसी दिन सनी के किसी दोस्त के साथ भाग जाएगी सनी हाथ मिलता रह जाएगा सनी अपने बीवी को बचा के रख अपने दोस्तों से हो सकता है यू नेवर नो और फिर ये मुशायरा चल रहा है और एक तो इनके हर फंक्शन में लड़कों को अलग बिठा दिया जाता है लड़कियों को अलग बिठा दिया जाता सारी है सारी महिलाएं एक साथ लेकिन बंदे ए एक साथ ये सेपरेशन कर देते हैं भाई ऐसा ही बैठना है और फिर मैडम का दिल नहीं लगता फ्रेंड्स फ्रेंड्स अटेंशन चाहिए होती है friends. फिर हमें लड़कियों में तो मन नहीं लगता हमें बहुत घबराहट होती है हमारी अम्मी भी कहती है कि तुम्हारा कभी लड़कियों में मन नहीं लगा सबा हमेशा लड़कों के पीछे भागती रही तुम देखो इतना अच्छा मुशायरा चल रहा है फ्रेंड्स रुकैया ने तो सारी पकड़ लिया भैया ऐसा किसकी मतलब एनिवर्सरी पे होता है ऐसा कौन करता है भैया शादियों वादियों का माहौल लग रहा था दुल्हन बनी बैठी थी लड़का भी ऐसे लग रहा था दुलाओ भैया शादी निकाह का करवा रहे हो लेकिन एनिवर्सरी पे कौन करता है और उस एनिवर्सरी पे जिसमें इसके सगे रिलेटिव्स ही नहीं आए हैं भाई भाभी आए नहीं पिताजी आए नहीं ये चलिए धूमधड़ाम से से अपनी एनिवर्सरी मनाने माताजी और अपनी खालाओं के साथ, साथ। और माता जी भी बड़े खुश खालाए है वाला है, सब खुश अब माता जी को, को कोई परवाह नहीं है फुप्पी कहाँ गई और फुप्पी बड़े बा, बातें कर रही थी पुप्फी आया करो कहीं आगे तक भी नहीं बिठाया इसने इतनी भी इज्जत नहीं थी अपनी फुप्पियों को कि भाई आगे बैठ जाए फ्रंट रो पे वो घर के मेंबर है ना न पीछे कहीं बैठे होंगे तो बैठे होंगे अपनी माता जी को सजा दिया नए सूट फूट दिला के पहना के मेकअप एकदम व्हाइट कलर का आगे बिठा दिया और यहाँ सनी अलग ही झूमे जा रहा है उसकी खुशी तो जाहिर ही नहीं हो रही है। उसको इतने दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने का मौका मिला है वो मुशायरे पे इतना खुश है खुश है सारे यार दोस्त उसके मतलब वो नाच रहे हैं गा रहे हैं सनी तो मतलब ऐसा भूल चुका है उसकी शादी हो चुकी है उसको घर भी वापस जाना है जो लोग उसे अब देखते होंगे उन्हें समझ आ जाएगा कि वो अब कितना फ्रस्ट्रेटेड सा परेशान सा बखलाये हुआ सा लगता है दो महीने से बेचारे के सर पे खुश डाल दिया है जिससे जो उसे चलाया नहीं जा रहा है सारे दिन पहले ड्राइवर ही करता था सभा को ले लेके घूमता था कभी ये मॉल कभी वो मॉल कभी रेलवे स्टेशन कभी अंधेरी लेके जा रहा है चाय पिलाने कभी अम्मी को घुमाने ले जा रहा है कभी रेजा रेहान को शेक पिलाने लेके जा रहा है तो सारे दिन यही कर रहा था पिछले एक साल से और इस टाइम ही ये ऐसे खुश दिख रहा है मतलब ना मौदा में आके इसकी खुशी अलग ही होती है क्योंकि इसे यार दोस्तों से मिलने का मौका मिल जाता है बाकी तो इसको मुंबई में जाके तो इसको मतलब पूरी खड़ी गुलामी करनी पड़ती है सभा की अब यहाँ सभा पूरा अपना हिजाब हिजाब बांध के घूम रही थी लेकिन उसे समझ आ गया भैया हिजाब नहीं बांधेंगे सनी बस हो गया फोटोशूट अब हम हटा रहे हैं अपना हिजाब से दुपट्टा ढकेंगे

तो यहाँ पे तो भैया नामहरम हो महरम इसको को पता ही नहीं चलता ऐसे खुश होती है स्टेज पे चढ़ गए यहाँ सारे नामहरम है ये इमेज इसकी आई थी इंस्टा वगैरह पे कहीं किसी ने डाली थी जब सब सबसे पहले इसकी एनिवर्सरी का ब्लॉग आने वाला था तब तक इसने अपनी एनिवर्सरी की पोस्ट भी इंस्टा पे नहीं डाली जैसे करते ना हैप्पी बर्थडे सनी और हैप्पी एनिवर्सरी डे और फ्रेंडशिप डे इसने अपनी पहली एनिवर्सरी की विश भी सनी को या एक दूसरे को करने के लिए नहीं डाली थी तो इसका लड़ाई झगड़ा तो वही हो गया था वहीं से पता चल गया था लेकिन ये इमेजेस इसकी आई थी तो सब लोगों ने कहा था भाई तुम हिजाबी हो तुम तुम्हें नाम के साथ घूम रहे हो भैया ये तो हनीमून पे नाम एहराम के साथ गई थी दो बंदे लेके गई थी सनी के साथ साथ दो और बंदे भी गए थे कार में भी कानपुर में घूम रही थी आपको पता होगा उसके बारे में आप सबको पता ही होगा चार पांच बंदों के साथ कानपुर घूमने गई थी सनी के साथ बंदों के साथ और ये देखो अब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है इस बंदे से बात करते हुए वो तारीफ कर रहा होगा भाई आप बहुत अच्छी है ये है वो ऑब्वियसली यही करेगा ना और इसकी जो खुशी है इसको तो दूसरों बंदों के साथ अटेंशन मिलती है ना इसके चेहरे पे जो चमक आती है हंसी आती है खुशी आती है ना वो तो सनी के साथ रह के कभी नहीं आती है किसी औरत के साथ रह के इसे कभी नहीं आती है। हम इतने डेढ़ दो मतलब चार साल से देख रहे हैं अगर कोई बंदी मिल जाए इसकी तारीफ करे तो ये ऐसे देखती रहती है उधर लेकिन कोई बंदा इसकी तारीफ कर दे ओ हो हो इसके तो ऐसे आ जाते हैं जैसे सोलह साल की लड़की की किसी ने तारीफ कर दी इतनी खुश हो जाती है ये यहाँ पे सनी इसको होता हमने तुम्हारे लिए ब्रेसलेट मंगाया है सऊदी से और देखो हम तो पहनाएंगे तुम्हारे पैसों का हमने जो पिंक कार्ड दिया था ना तुमने शादी के बाद तुरंत बाद उसी को हम यूज करके मंगा लिया हमने अल्लाह कितना प्यार करती है सनी हमें तो ये बहुत मन था तो ये फेवरेट है, हम से चाहते थे सनी हम क्या दे, लेकिन हम तो तुम्हें वहां जाके ही देंगे अरे बेटू तुमने इतना कुछ दिया है हम बहुत खुश थे मत दो कुछ भी और यहाँ पे सभी उसका हाथ पकड़ के उसकी तारीफ़ें करता है बहुत अच्छी बहू है बहुत अच्छा ख्याल रखती है तुम इतनी अच्छी हो हम चाहते हैं हर आदमी को ऐसी सभा जैसी बीवी मिले ऐसा भी अच्छा सच में और ऐसे ही मेरे को दोस्त भी मिले यहाँ पे तारीफ़ भी करता है कि मेरे को ऐसे दोस्त भी मिले और मेरे को ऐसी बीवी भी मिले तो दिल से तो दोस्त कह रहा था और पब्लिक के लिए और इसके लिए ब्लॉग के लिए बीवी कह रहा था इसको समझ आ चुका है कहता है और ये लड़ती भी बहुत है मतलब एक साल के अंदर इसको अगर इसके मुंह से निकल रहा है कि लड़ती भी बहुत है तो आप समझ सकते हैं कि भैया ये बंदा एक साल में थोड़ा बहुत परेशान होना शुरू हो चुका और तो इसकी है और अब शक्ल में, में कितना फर्क आ चुका है जबकि एक साल भी नहीं हुआ एग्जैक्टली और इसके बाद ये जाती है हम फ्रेंड्स हम घर चले जाते हैं। ये बेटी के घर जा रही है मतलब भैया तुम रात के दो तीन बज गए होंगे तुम अपने घर जाओ तुम अपना ड्रेस अपना बदल के चांसेस हो आप बताओ और बेटी खाला ऐसे यहाँ भूत लग रही है मतलब इतने सफेद मेकअप में और इसने सारा ने देखा तो ओ ये तो मतलब कोई डर जाए अगर कोई देख ले तो एक काले कपड़ों में एक सफेद कपड़ों में सफेद मुंह लेके ये बिल्कुल एकदम ये हॉरेबल लग रहे थे जब मैं पूरा अपने स्क्रीन पे देख रही थी अब ये आके बेटी खाला के घर आके सबको पूछती कैसा लगा कैसा रहा कैसा लगा रेहान भी बहुत अच्छा था दिन ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला अभी बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था भैया तुम सबको सब थके हुए हैं और सब अपना चेंज करके सुना चाहते हैं बट तुम उनके मुंह पे कैमरा घुसेड़ घुसेड़ के रिव्यू ले लो पहले मतलब और उसके बाद पूरा के इसको के गया होगा खुद ही अगले अभी अगले दिन दिखाती है, टेने ने स्लाइड के साथ अम्मी रही है खड़े हो गए और ये इसका सूट देख लो जो बेटी खाला के घर पहन रखा था सुबह से लेके शाम तक अब इसी घर सूट में घर आई थी फिर इसने अपना ये जुलूस वाला घुलिया बदला था उसके बाद वही कपड़े मतलब कपड़ों के अंबार लगे हुए इनके पास तभी भी वही गंदे पुराने मैले कुचाले पसीने वाले कपड़े पहन लेते हैं और सनी आके कहता है फ्रेंड्स हम बहुत देर हो गई थी खाना बचा था उसको भी ठिकाने लगाना था सारे दोस्तों में बांटा फिर मैं करते कराते सभा को लेने गया बेटी खाला के घर भाई सभा तुम्हारी माँ के साथ घर नहीं आ सकती थी पहले सभा महारानी जी जाएंगी बेटी खाला के घर कि बेटी खाला के घर से ये सनी जाएगा बेटी खाला के घर लेने आधी रात को उनको भी तंग करेगा क्योंकि जब तक ये सनी नहीं आएगा सभा बैठी रहेगी अकेली सभा सोने देगी किसी को वो तो अपना ड्रामा पंथी चलती रहेगी उसकी तो सभा के साथ साथ बाकी लोग भी सफर हो रहे हैं कि सनी उसको लेके आया कहता है पांच बजे मैं सोया हूँ ये ऐसे इनके हालात है आप सोच सकते हो कि अगर इवेंट खत्म हो गया है रात के और महोदा जैसे गांव में ना रात के तीन चार बजे तक इवेंट नहीं चलेगा वहां औरतें जल्दी निकलना शुरू हो जाती हैं मतलब ऑब्वियसली गाँव गाँव में ऐसे औरतें किसी पार्टी शार्टी में जाके बैठ के ये नहीं की सारा मुशायरा जब लास्ट में मुशायरा खत्म हो जाएगा तभी आएंगी वो सात बजे आठ बजे शुरू हुआ होगा तो रात के ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे तक सब खत्म हो गया होगा खाना वाना खा के निकल गए होंगे और उसके बाद चलो इसकी अम्मी वगैरह घर के लोग थोड़े बहुत बैठे होंगे साढ़े बारह इससे ज्यादा कितना एक बजे मुझे नहीं लगता मददा जैसे जगह पे एक बजे भी ऐसा इतना देर चलेगा कोई चीज सनी बैठा होगा अपने यार दोस्तों के साथ बंदे बैठे होंगे मस्ती कर रहे होंगे नाच गा रहे होंगे मुशायरा थोड़ा और खींच लिया होगा उन्होंने बंदो बंदों ने और लेकिन बेटी खाला के करिए आ गई होगी साढ़े बारह एक बजे तक वहां से चार साढ़े चार बजे से लेकर पांच बजे घर पहुंचे तो आप सोचो अगर वो सो गए होंगे तो फिर सबको उठाया होगा आधी रात को ये मैडम ने सारी लाइटें जलाई होगी उठ उठा के आई होगी तो आप सोच सकते हो कि ये किसी और के कंफर्ट का कितना ध्यान रखती है मतलब तो ऐसी बंदी है जो किसी और के बारे में सोचती ही नहीं है अब यहाँ पे खाना वाना खाके सनी बहुत अच्छे से हो गया कैसा लगा बहुत अच्छा लगा हमें बेटा तुम बहुत प्यारी हो ये वही सूट बदबूता इसको देख के मुझे लगा अरे बेटू बहुत प्यारी हो तुमने बहुत अच्छे से किया मजा आ गया हमें तो बहुत में जितना मजा आया उतना तो तुम्हें देख के मजा नहीं आया लेकिन हम खुश हैं बहुत खुश है प्यार हो प्यार कर देता वो तुम्हारे गाल पकड़ लेता सनी ऐसे करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कर लो अच्छे से करो तो यहाँ सनी इसके तलवे तुलवे चाट रहा है इसके मसाज कर रहा है इसकी ईगो मसाजिंग कर रहा है और वो भी तो सैम भी से। फिर कहती है फ्रेंड्स वहाँ पे ना ये सच के फिर से बैठ जाती है मुझे लगा वे कहीं जा रहे होंगे क्या चक्कर है जो भी है बताती है, फ्रेंड्स हम ना जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम ना किसी और रिलेटिव के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाए थे बेटी खाला के साथ नाजा खाला के साथ हमारी फोटो ही नहीं हुई थी तो इसलिए हमने सोचा हम अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे अच्छे से मनाएंगे भाई तुम किसी रिलेटिव के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे तुम्हारे कोई रिलेटिव है चार साल से हम तुम्हें देख रहे हैं इंटरेक्शन करने का तुम्हें पूरा टाइम मिला शादी के टाइम ही क्यों इंटरेक्ट करना था तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें तुम्ह और शादी के टाइम तुम्हें पूरा मौका मिला था आराम से करते इंटरैक्ट तुम्हें कोई इंटरैक्ट करना नहीं था किसी रिलेटिव से तुम फुफ्पियों को आज तक बुलाती नहीं हो तुम्हारे और कोई मामे वामे कोई आते नहीं है चाचे ताऊ तुम्हारे बाकी कहाँ है उनका तुमने आज तक कता पता नहीं बताया तुम्हारी दादी जी का कोई इंटरेक्शन तुम्हारे साथ हुआ नहीं है तो इंटरेक्शन करने के लिए तुम उनको घर बुलाओ उनसे बातें करो उनके घर जाओ वो होता है इंट्रैक्शन कि शादी में फोटो और नाजा काला बेटी काला सारे दिन तुमसे चिपके रहते कौन सी फोटो कहाँ की फोटो हर ब्लॉग में तुम्हारे खै खे खे करके तुम्हारे साथ ही दिखते हैं उसी का स्क्रीनशॉट ले लो वो फोटो ये लेकिन नहीं ये ड्रामा फालतू तो का और भी मैं बात से हमने बहुत अच्छे फ्रेंड्स वो नहीं आ तो है हमारे जी ने कहा था कि हमको शूट नहीं करना तो वो भी नहीं दिखे हमारे ब्लॉग में लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स और फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ देट ठीक है इतने बिजी हो गए थे

आप समझ जाओ इसी इसी आउटफिट में से दोबारा तैयार होकर रील बनाई और बहुत ही बेकार लग रहे थे तो ये कोलेबोरेशन पे इससे पहले इसने जब एनिवर्सरी की प्रिपरेशन की थी ना हैदराबाद जा जाके इसने किसी उस बंदी से कोलैब किया उससे फ्री का ये कपड़े मांगे और किसी और से मेकअप आर्टिस्ट से कोलैब किया अपना मेकअप करवाया हॉरीबल लाला तो ये सब सारा फ्री में करवाया था अरेंजमेंट और ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या ही पचास लाख के इन्होंने एंगेजमेंट दिया जो भी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन किया हो देख के ऐसा लग रहा था कि बुरा ही हाल बचा हुआ है तो ये था इसका एनिवर्सरी का ब्लॉग जो आ, मतलब मैंने ऐसे सोचा देख बना देती हूँ आप बताना आपको कैसा लगा और बीच में अगर कभी मेरा मौका मिला तो एक दो मेरे और दिमाग में है ज्यादा नहीं सिर्फ एक आधे मेरे दिमाग में जिनका मेरा बनाने का मन है तो अगर कभी मुझे टाइम मिलेगा और गैप आया ना जैसे इसका तो फिर मैं बनाऊंगी तो आप बताना कैसा लगा एंड इसका हॉरिबल मेकअप और इसका आउटफिट कैसा लगा वो भी बताना एंड चलिए रखते हैं बाय बाय है